नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या जब आप सीधे खड़े होते हो तो क्या आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन लगता है? उसकी वजह से आपके एक तरफ का कंधा झुका हुआ व दूसरी तरफ का आपका हाथ है वो आपके शरीर से दूर होता है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन को बोलते हैं स्कोलियोसिस। हो सकता है स्कोलियोसिस की वजह से आपको कमर दर्द की तकलीफ भी रहती हो और आपका पोस्चर है वो खराब हो गया हो, जिसकी वजह से कई बार आपको शर्मिंदा भी होना पड़ा हो। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन के लिए ऐसे ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचर सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनको करने से आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन में आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस समस्या को काफी हद तक ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि स्कोलियोसिस किसे कहते हैं? तो जब भी हम सीधे खड़े होते हैं और हम हमारी स्पाइन को यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को जब हम पीछे से देखते हैं तो बिल्कुल एक सीधी लाइन में दिखाई देती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इसकी सीधेपन में कोई परिवर्तन आए और ये एक साइड में घूम जाए, तो इसकी वजह से हमारे शरीर की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाता है और इसकी वजह से हमारे शरीर के जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है उनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, वो ऊपर नीचे या असमान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी डिफॉर्मिटी को बोलते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस हमारी स्पाइन के एक रीजन में भी हो सकता है या फिर ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को यानी हमारी पूरी स्पाइन को भी प्रभावित कर सकता है। स्कोलियोटिक कर्व की प्रकृति के आधार पर यह सिंगल कर्व स्कोलियोसिस भी हो सकता है या फिर डबल कर्व स्कोलियोसिस भी हो सकता है। स्कोलियोटिक कर्व को देखने के आधार पर यह सी शेप्ड भी हो सकता है या फिर एस शेप्ड कर्व भी हो सकता है। बात करें हम स्कोलियोसिस के टाइप्स की तो स्कोलियोसिस मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है पोस्टरियल स्कोलियोसिस। पोस्टरियल स्कोलियोसिस को हम टेम्परेरी स्कोलियोसिस भी बोलते हैं और इसको इसलिए हम टेम्परेरी स्कोलियोसिस बोलते हैं क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशियां है उनमें टेम्परेरीली मसल स्पाज्म होने की वजह से हमें ये समस्या होती है। जैसे कि सीआरटी का स्कोलियोसिस हमें होता है, उसके अंदर हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें टेम्परेरीली मसल स्पाज्म हो जाता है और उसकी वजह से हमें ये समस्या होती है, तो हम इसको पोस्टरियल स्कोलियोसिस बोलते हैं और पोस्टरियल स्कोलियोसिस को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशियां हैं उनमें स्थायी बदलाव आ जाता है, उनमें परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। उसकी वजह से स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है या पोस्टरियल स्कोलियोसिस है? तो उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा टेस्ट है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकेंगे। अगर हम आगे की तरफ झुकने पे हमारा जो स्कोलियोसिस है वो गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमें पोस्टरियल स्कोलियोसिस है, और आगे झुकने के बाद भी हमारा जो स्कोलियोसिस है वो गायब नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है। अब बात करें इस समस्या के होने के कारणों की, तो 75% केसेस के अंदर इस समस्या के होने के कोई कारण नहीं होते हैं और इसको हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो कारण आता है वो आता है कंजेनाइटल, यानी कई लोगों को स्कोलियोसिस की जो समस्या है वो जन्मजात होती है। और इसके बाद इसमें तीसरा जो मुख्य कारण आता है वो आता है न्यूरोमस्कुलर। इसके अलावा कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से भी ये समस्या हमें हो सकती है, जैसे लेग लेंथ डिस्क्रेपेंसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक पांव हमारा छोटा बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो तो उसके बाद भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी के जो लिगामेंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत हो तो उसके बाद भी हमें ये समस्या हो सकती है। और कई सारी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस है जैसे स्पाइनल बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो इस तरह की कंडीशन में हमें ये समस्या हो सकती है। इस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक तरह से जनरल एक्सरसाइजेस है जिनको आप किसी भी तरह के स्कोलियोसिस में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कोलियोसिस की समस्या है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे आपकी स्कोलियोटिक कर्व के हिसाब से एक्सरसाइजेस डिजाइन हो सके
और आपको और ज्यादा फायदा मिल सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा रखेंगे और दूसरे पैर के घुटने को मोड़कर हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम उस घुटने को हम हमारे चेस्ट पे दबाएंगे। इससे एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारे कूल्हे में और हमारे कमर में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और इसी तरीके से हम 10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और दोनों घुटनों को हम हमारे दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम हमारे दोनों घुटनों को हमारे चेस्ट पे दबाएंगे इस तरीके से। तो रोकना है, 10 काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए घुटनों को दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से हम पास में चिपका लेंगे और दोनों पैरों को भी नीचे से हम इस तरीके से पास में चिपका लेंगे। और फिर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके हम हमारे सर के नीचे लगा लेंगे और हम हमारी दोनों कोहनियों को टिकी भी रखेंगे और हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको भी टिका हुआ रखेंगे। और फिर हम हमारे दोनों पैरों को एक तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम जब दोनों साइड करेंगे तब ये एक रिपीटेशन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन वापस न्यूट्रल पोजीशन में। और फिर हम वापस इसको अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। इससे एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारी साइड की जो मसल से कमर की उनमें आएगा और इससे भी काफी फायदा हमें इस समस्या में मिलेगा। और इस तरीके से हम दोनों तरफ करेंगे तब एक रिपीटेशन होगा और हमें इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइजेस है फ्रेंड्स, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक क्वाड्रीपॉड पोजिशन में आ जाएंगे। इस पोजिशन को क्वाड्रीपॉड पोजिशन बोलते हैं। और इस पोजिशन में आने के लिए ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमारे जो कंधे हैं वो हमारे कंधे के नीचे हमारे हाथ होने चाहिए और हमारे हिप के नीचे हमारे नी जॉइंट होने चाहिए। इस तरीके से जब हम इस पोजीशन में आ जाएं तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को तो नीचे करेंगे और हम हमारी कमर को यानी हमारी रीढ़ को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर हम वापस हम हमारी गर्दन को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और हम हमारी कमर को इस तरीके से नीचे दबाएंगे। ये केट पोज हो गया और ठीक इसके अपोजिट ये कैमल पोज हो गया। इस तरीके से जब हम दोनों रिपीटेशन करेंगे तब इस तरीके से हम जब ये दोनों मूवमेंट करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के भी 10 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पोजिशन में रहेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम एक हाथ को और उसके अपोजिट पैर को सीधा इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकना है और वापस जहां से उठाया है वहीं पे हम अपने हाथ और पैर को रख देंगे इस तरीके से। 1 से 2 सेकंड रोकना है, जहां से उठाया है वापस हम वहीं पे रख देंगे। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें हमारी गर्दन को इस तरीके से ऊपर नहीं उठाना है, हमें हमारी गर्दन को बिल्कुल न्यूट्रल पोजिशन में रखना है यानी नीचे रखना है और हमारी जो स्पाइन है उसको भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। इस तरीके से जब हम दोनों तरफ करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पोजीशन में रहेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को ऊपर करेंगे और जैसा हमने केट कैमल एक्सरसाइज में इस तरीके से किया था, कैमल पोज बनाया था, ठीक उसी तरीके से पोज बना के हम धीरे धीरे इस तरीके से पूरा पीछे बैठ जाएंगे। यहाँ पे रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन वापस हम न्यूट्रल पोजिशन में आ जाएंगे। कैमल पोज बनाएंगे इस तरीके से, पीछे बैठेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे और इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। लास्ट जो दो एक्सरसाइज है उनको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से नीलिंग वाली पोजीशन में आ जाएंगे, यानी हम घुटनों के बल आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ टच करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से जब हम दोनों तरफ करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 50 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को खड़े होके भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और उसको पूरा ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच के रखेंगे और दूसरे हाथ को हम इस तरीके से सामने की तरफ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी पूरी बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक साइड में इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इनिशियली 10 और बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं, इस तरीके से। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन के बारे में। ये समस्या क्या होती है, इस समस्या के कितने प्रकार होते हैं, इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं और इस समस्या को हम ठीक करने के लिए कौन कौन सी जनरल एक्सरसाइजेस घर पे फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।